हेलो दोस्तों, जे है दुनिया के सबसे लंबी उम्र वाले टॉप 10 जी। इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जिनकी उम्र अमर है, मतलब कभी मरते ही नहीं है जिंदगी में। चलो जानते हैं फ्रेंड कौन कौन से हैं। इंसान के अधिकतम जीवित रहने की संभावना मात्र 150 साल है, जो हाल ही में आई एक स्टडी में खुलासा हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है वो ऐसे कौन से जीव हैं जो सबसे ज्यादा जीवित रहते हैं? हमें कछुए का पता चला, लेकिन हाल ही में एक कछुआ मिला था जो 190 साल का था। लेकिन लंबी लंबी उम्र के 10 टॉप जीवों में की सूची में उनको शामिल नहीं किया गया। हैरानी की बात तो यह है कि सबसे ज्यादा उम्र के वाले जीव पानी में रहते हैं। चलो जानते हैं, सबसे पहला नाम आता है बोहेड बोहेल, जिसकी उम्र 200 साल से अब है। बोहेड बोहेल लंबी उम्र वाली सीढ़ी में सबसे नीचे है। उसके बाद नंबर 9 पे आता है रफ आई रॉक फिश, इसकी उम्र भी 200 साल से ऊपर है। रफ आई रॉक फिश सबसे ज्यादा जीने वाली मछलियों में से एक है। और उसके बाद नंबर आता है फ्रेश वाटर पर्ल मसल, इसकी उम्र 250 साल है। फ्रेश वाटर पर्ल मसल ऐसे जीव होते हैं जो पानी में मौजूद खाने के बारीक कणों को फिल्टर करके अपना पेट भरते हैं। जी आमतौर पर नदियों और दराओं में पाए जाते हैं। ज्यादातर यूरोप, अमेरिका और कनाडा में इनको पाया जाता है। और उसके बाद नंबर आता है ग्रीनलैंड शार्क का, जिसकी उम्र होती है 272 ईयर। ग्रीनलैंड शार्क आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर में काफी ज्यादा गहराई में रहती है, जो 24 फीट तक लंबी हो सकती है। जे कई प्रकार के समुद्री जीवों को अपना भोजन बनाती है। उसके बाद नंबर आता है ट्यूब वर्म, इसकी उम्र होती है 300 साल से ऊपर। ट्यूब वर्म गहरे समुद्र में बेहद ठंडे इलाके में रहते हैं। साल 2017 में द साइंस ऑफ नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको की खाड़ी में ट्यूब वर्म की एक ऐसी प्रजाति मिली थी जो 200 साल से ज्यादा जीवित थी, जबकि कुछ प्रजाति ऐसी भी थी जो 300 साल से ज्यादा जिंदा रहती है। और उसके बाद नंबर आता है ओशन की हॉग क्लैम का, इसकी उम्र होती है 500 साल। ओशन हॉग क्लैम उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। नमकीन पानी में पाए जाने वाला जीव अपने जैसी अन्य प्रजातियों की तुलना में सबसे ज्यादा सालों तक जिंदा रहता है। उसके बाद नंबर आता है ब्लैक कोरल, उम्र इसकी 4000 साल। कोरल अक्सर बेहद रंग बिरंगे सुंदर से दिखने वाले समुद्री जीव होते हैं, जो कई बार तो पेड़ पौधों की तरह लहराते हुए भी दिख जाते हैं। हवाई के तट के पास एक ब्लैक कोरल मिला जिसकी उम्र 2265 साल बताई गई थी। उसके बाद नंबर आता है ग्लास स्पंज, उम्र इसकी है कि 10,000 साल से ज्यादा। ग्लास स्पंज आमतौर पर कई जीवों की एक कॉलोनी होती है। जैसे कॉरल्स होते हैं जो हजारों साल तक जिंदा रहते हैं, जो धरती पर सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाले स्पंज में से एक है। NOAA के मुताबिक जो समुद्र में काफी गहराई में रहते हैं और कम गहराई में भी इनका भी हड्डी जैसा ढांचा बन जाता है। साल 2012 में केमिकल जियोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे लंबी उम्र वाला ग्लास स्पंज 11,000 साल पुराना है। हो सकता है इससे ज्यादा सालों तक जीने वाले स्पंज भी मौजूद हों। उसके बाद नंबर आता है टोरिटोपिस डहरनी, इसकी उम्र अमर है। टोरिटोपिस डहरनी को अमर जॉलीफिश कहा जाता है, जे लावरा की तरह जीवन की शुरुआत करते हैं। इसके बाद भी समुद्री तलहटी में खुद को टिका लेते हैं, जे अपना जीवन चक्र कई बार रिपीट कर सकता है। इसका आकार 4.5 मिलीमीटर का होता है। अगर इन्हें मछलियां ना खाए तो ये कभी भी नहीं मरते। और उसके बाद नंबर 10 पे आता है हाइड्रा, जो संभावत अमर है। हाइड्रा बेहद छोटे अकशेरुकीय जीव होते हैं। इनका शरीर बेहद नरम होता है, कई बार तो ये जेलीफिश जैसे दिखते हैं। हाइड्रा भी संभव अमर होते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक आज तक इनकी उम्र का सही अंदाजा लगा ही नहीं पाए। ये अपनी बढ़ती उम्र के साथ शरीर को बीमारी या नुकसान नहीं दिखाते। ये आमतौर पर स्टेम सेल से बने होते हैं, जो लगातार खुद ब खुद दोबारा पैदा होते रहते हैं, या जूं कह सकते हैं कि क्लोनिंग करते रहते हैं। अगर इनका शिकार ना हो और बीमारी ना लगे जी अमर हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको जी मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड।